हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो क्लास है वो कल की से जो क्लास थी उसी का आगे की प्रोसेस है। मतलब कल जो हमने से कि बेसिक पूरा फंडामेंटल क्लियर किया था टाइम डिस्टेंस एंड प्लेस के लिए, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये एनटीपीसी और पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए खास है, क्योंकि उनके सिलेबस में और ये वाला जो टॉपिक से क्वेश्चन भी से ज्यादा नंबर के आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना, इस टॉपिक को समझना है। ठीक है, बेसिक तरीके से जो से कि हमने फंडामेंटल पूरा सीखा है उसी को ही एकदम शॉर्ट बना देना है। शॉर्ट ट्रिक आपको रटना नहीं है, ट्रिक्स वगैरह आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको वही जो बेसिक फंडामेंटल उसको कैसे शॉर्ट बनाना है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे से कि देखें, और ये जो सवाल है देखने में काफी सी बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको मात्र आधे मिनट या फिर कुछ सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड में हम कैसे कर सकते हैं उसको देखना है। क्योंकि अभी जो मान लो से एग्जाम देने जाते हैं हम, तो वहां पे टाइम सबसे बड़ी चीज होती है। टाइम जितना ज्यादा अपन बचा पाएंगे वहां पे उतना क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें इस सवाल को और समझने की कोशिश करें, बस ध्यान से देखना है, आपका माइंड इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो वो सिस्टम यहाँ पे लागू ना हो, इसलिए से कि अपना फोकस केवल एक जगह रखें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है उसको सबसे पहले समझेंगे। ठीक, प्रश्न को प्रश्न न समझ के ना, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है जो आपके आपसे बात कर रहा है ये समझना है, और वो क्या कह रहा है उसको आपको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे कोई बात करेगा तो आपको समझ में आता है, एक चीज पूरी क्लियर होती है। तो प्रश्न को प्रश्न न समझ के एक कोई व्यक्ति समझो। ठीक है, तो हर चीज को अच्छे तरीके समझ पाएंगे। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को 8 घंटे, यहाँ पे एक व्यक्ति को 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। मतलब एक व्यक्ति है जिसको 8 घंटे में, यहाँ पे टाइम कितना है, समय है यहाँ पे 8 घंटे। ठीक, 8 घंटे में उसको दूरी कितनी तय करना है, तो यहाँ पे देखें दूरी है 120 किलोमीटर, कितनी तय करना है। ठीक है, अब फिर आगे क्या कहता है प्रश्न, ये देखें, ये तो पहली लाइन जो बोली वो हमने यहाँ पे लिखी, तो 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करना है, यदि वह यात्रा का एक तिहाई भाग, ठीक है, यात्रा का एक तिहाई भाग, मतलब टोटल दूरी कितनी है 120, तो 120 का एक तिहाई भाग, एक तिहाई मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे 120 का एक तिहाई मतलब एक बटा तीन। ठीक है, 120 गुणित 1/3, ये एक तिहाई हो गया, तो इसको काट लेंगे तो कितना आएगा, 3 × 12 और ये 0, मतलब कितना आया 40, कितना है 40, ये जो 40 है 40 आया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो हाँ ठीक है दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे से कि 40 किलोमीटर की दूरी है किलोमीटर, प्रश्नों को आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे एक तिहाई भाग आधे समय में, ठीक है, एक तिहाई भाग, ये एक तिहाई निकाल लिया कितना 40 से, 120 का एक तिहाई 40 से, इसका आधे समय में, समय कितना दिया है आधा समय, मतलब टोटल कितना है 8 घंटे, तो आधे समय में एक तिहाई दूरी वो तय करेगा, तो आधा समय कितना है 4 घंटे। ठीक, 8 घंटे में से आधा समय 4 घंटे, तो इस तरीके से 4 घंटे में 40 किलोमीटर वो दूरी तय करेगा, ये सेकेंड लाइन में अपने को बोला है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, लाइन को बस ध्यान से पढ़ना है तो समझ में आ जाएगा पूरी एक चीज। फिर से आपको पढ़ के बता रहा हूँ, यदि वह यात्रा का एक तिहाई भाग मतलब 40 आधे समय में तय कर लेता है, तो बताओ वह शेष दूरी मतलब बची हुई दूरी 40 किलोमीटर उसने तय कर ली, तो शेष कितनी होगी, तो शेष कितनी होगी यहाँ पे 80 होगी। ठीक है, 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर जो है शेष दूरी को किस स्पीड से, किस चाल से तय करें, यहाँ पे ये बताना है आपको, स्पीड बताना है प्रश्न में, बताना क्या है, निकालना क्या है अल्टीमेट पूरे प्रश्न में कि स्पीड बताना है। ठीक, तो स्पीड किस चाल से तय करें ताकि वह नियत समय में दूरी तय हो सके। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले आधे समय में मतलब 4 घंटे में एक तिहाई दूरी तो उसने पार कर ली, ठीक है, उसके बाद बची भी कितने 80 किलोमीटर की दूरी, तो वो
वो नियत समय में, नियत समय में मतलब सिर्फ वो जो चार घंटे बचे हुए हैं उसी में ही पार कर ले, ठीक है। तो टाइम कितना है, वही चार घंटे, उसी में ही उसको पार करना है। तो आपके पास टाइम दिया है और ये दूरी भी दी है। तो उन्होंने पूछा ये है कि किस स्पीड से, किस चाल से तय करें, तो चाल आपको निकालना है ये, ठीक है। और आपको इसका फॉर्मूला तो पता ही है, चौथी पांचवी से यहाँ पे रटते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, चाल बराबर होता है दूरी और बटे में समय, ठीक है, दूरी बटा समय। परंतु यहाँ पे सिंपल कितना है, दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर, ठीक है। तो 80 किलोमीटर ये 80 और टाइम कितना है चार, तो यहां से इसको काट लेंगे कितना आएगा 20, ठीक है। तो 20 स्पीड है, ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ घंटे में और किलोमीटर में, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए सारी प्रोसेस बतानी पड़ी, बाकी से वैसे बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, नहीं थी, यदि आपको यदि आता ये, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं आता, जो उसे की शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ये पूरा क्लियर किया एक चीज, ठीक। तो अब देखें, अब यदि आपको प्रश्न एक बार आ गया है, सवाल एक बार आपने कर लिया है और आपको आता है सवाल, तो फिर ये सब लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में आप उसको कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। कैसे, वो भी करके दिखा दे रहा हूं। अब देखें यहाँ पे, यहां से देखो, यहाँ पहला है 8 किलोमीटर, 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक है, करना है। उसके बाद फिर बोला कि यदि वह यात्रा का 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग आधे समय में, 1/3 भाग आधे समय में, आधे समय मतलब 4 घंटा, 1/3 मतलब 40, ठीक है। तो ये आधे समय में मतलब 4 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी पार कर गया, ठीक है, इससे भी कोई मतलब नहीं है अभी। फिर आप आगे क्या बोला, तो बताओ वह शेष दूरी, शेष मतलब से कि 80 किलोमीटर की दूरी, ये 80 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करें, ताकि नियत समय में, नियत समय मतलब जो बाकी बचा हुआ समय है उसी में, ठीक, उसी में दूरी तय हो सके, ठीक है। तो 4 घंटे में ही 80 किलोमीटर की दूरी तय हो सके, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी आपको ये बताना है। तो ये किलोमीटर है और टाइम आपका 40 है, ठीक है, टाइम कितना है, ये 4 घंटा है, 40 नहीं 4 घंटा जो शेष है। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस तरीके से यहाँ पे इतनी सी जगह में निकल आएगा पूरा, ठीक है। और कुछ भी नहीं यार, ये वाला से कि ये पूरा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो माइंड में कर सकते हैं। आधा समय मतलब 4 घंटा, ठीक है, और 1/3 मतलब से कि 120 के 3 टुकड़े करो तो कितना आएगा, 40। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कर सकते हैं। बस ये है कि पहली बार मान लो सवाल कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट बार इसको सीख रहे हैं, तो वो प्रॉपरली पहले सही तरीके से इस तरीके से सीखें, उसके बाद में शॉर्ट मारे उसको, ठीक है। ये आगे आपको ये वाला एक बार सीख लिया, उसके बाद में से शॉर्ट मार सकता है डायरेक्ट, ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लास्ट वाली लाइन से कर सकते हैं कि शेष दूरी कितनी है, 80 है, किस चाल से तय करे, ताकि नियत समय में, नियत समय का मतलब होता है कि वही समय जो उसके पास बचा हुआ है, क्लियर। अब जाते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ, अब देखें यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अगला जो प्रश्न है इसमें, इस प्रश्न को सबसे पहले समझना, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझ लो, उसके बाद में से आपको बताऊंगा, और हल करने में बिल्कुल भी कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा, लेकिन समझना बड़ी बात है सबसे पहली बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहली बात ये देखना है कि मोहन स्थान ए से बी तक, मतलब दो स्थान है यहाँ पे, दो स्थान कौन सा, एक स्थान ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो मोहन स्थान ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से या स्पीड से, चाल से गया, ठीक है, तो इस गति से गया वो, तो यहां से यहां तक ये गया, तो इसकी जो स्पीड रही, इसकी चाल यहां पे रही, ये कितनी रही, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहली से कि यहां तक की बात हुई, यहां से लेके यहां तक की बात हुई कि एक मोहन स्थान ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की गति से गया। अब
फिर क्या बोला, तथा बी से ए तक, यहां से बी से ए तक वापिस आया है इधर से इधर, तथा बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, मतलब इसने स्पीड से आया ये, ठीक है, वापिस यहां का आया, तो कितने स्पीड रही थी इसकी 40, ये 60 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड से वो आया। तो पूरी यात्रा में, मतलब सिर्फ गया और वापस आया, इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, मतलब एवरेज स्पीड आपको बताना है, ठीक है, तो ये बताना है, क्या बताना है, औसत चाल, ठीक है, ये बताना है। तो अब ये बताने में से कि बिल्कुल सिंपल है ये, और ये आपको से कि आपने स्कूल में भी पढ़ा है, हर जगह से कि पढ़ा है, और बेसिक फॉर्मूला है इसका, कुछ भी कोई खास नहीं इतना। क्या है कि जब भी एक बार से गया और एक बार वापस आया दो राउंड लगाए, और उसमें उसकी एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल निकालना है, तो क्या करते हैं उसको, टू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है, जब भी औसत चाल निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला है जो लगभग लगभग सबको पता रहता है, क्योंकि स्कूल में काफी बार इसको यूज किया है, तो टू एक्स वाई और यहाँ पे एक्स प्लस वाई, मतलब यहाँ पे जो स्पीड है पहले वाली स्पीड और दूसरी वाली स्पीड का ऊपर गुणा कर देना, नीचे जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल याद रखने के लिए बता रहा हूं, दो गुणा बटे में जोड़, ठीक है, दो गुणा बटे में जोड़, तो इस तरीके से यहाँ पे गुणा और यहाँ पे जोड़, ठीक, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। इसकी जगह ये तो एक ही व्यक्ति है, मोहन की बात हुई, इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रेन ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गई और दूसरी ट्रेन बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आई, तो इन दोनों की जो एवरेज स्पीड होगी, चाल होगी, वो कितनी होगी, तो भी यही बात है, एक व्यक्ति आए और जाए या फिर आमने सामने से दो गाड़ियां आए या जाए, बात वही है, ठीक है, प्रश्न घूम के आ सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये इसका सिंपल फार्मूला है, तो इसके आधार पर हम निकाल लेंगे कैसे, देखो यहाँ पे अब इसका आंसर कितना होगा कि यहाँ पे टू है तो टू इंटू इन दोनों का गुणा, तो मतलब दो जीरो है तो दो जीरो पहले लगा ले, और 624 या 4×6=24, तो यहाँ पे 24, ठीक है, और बटे में इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना जाएगा 100, 60+40 कितना 100, तो इस तरीके से दो जीरो से ये दो जीरो गया, 24 गुना कितना होगा 48, ठीक है, 24 गुना 48 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी औसत मतलब एवरेज स्पीड है, औसत चाल है, क्लियर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आएंगे आपसे हो जाएंगे, और उम्मीद है कि इसे आपको ये सवाल अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इसके बाद में से आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिखाई दे रहा होगा जो से कि आपके लिए है, आपको से कि इसको सोल्व करना है और उसका आंसर निकालना और कमेंट करना है, ठीक है। ऐसे जैसे कि दो से तीन सवाल आपको मिल जाएंगे, या फिर आपके पास बुक से जो भी अवेलेबल है उस बुक में भी से कि इस टाइप के सवाल मिलेंगे, आप देखो उस बुक को निकालो तो देखो इस टाइप के सवाल, और उसको हल करना है, ठीक है, हल करने के बाद में फिर उसको आंसर निकालना है, तो क्लियर है ये। तो अब ये वाला से के टाइप कंप्लीट हुआ, ठीक है, इस टाइप पे के जितने भी सवाल आएंगे आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दो रेलगाड़ी वाले, दो रेलगाड़ी दो व्यक्ति, या फिर एक ही व्यक्ति दो बार राउंड लगाना गया और आया, तो इस टाइप से सवाल है, तो वैसे करना है, ठीक है। अब यदि से कि इसकी जगह तीन रेलगाड़ियां हैं या तीन व्यक्ति हैं, ठीक है, जो या तो एक साथ में जा रहे हैं या फिर एक साथ में आ रहे हैं, तो इस तरीके से तीन रेलगाड़ी या तीन गाड़ियों की बात हो, तो उस टाइम क्या करना, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए भी सीखे हम देख लेंगे, उसका भी सिंपल ही आसान है। तीन थी ये तो दो बार थी, तो तीन बार की यदि करें तो करना है यहाँ पे तीन गाड़ी, ठीक है।
तीन गाड़ी के लिए। इसके लिए क्या है कि यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो गाड़ियां थी तो यहाँ पे मतलब दो गाड़ी या फिर एक ही व्यक्ति ने दो बार राउंड लगाया तो यहाँ पे दो आएगा, ठीक है। अब तीन बार राउंड लगाए तो यहाँ पे कितना आएगा, इसकी जगह तीन आएगा, तीन। और यहाँ पे एक्स वाई और जेड जुड़ जाएगा, एक्स वाई और ये जेड, और बटे में क्या आएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा उसके लिए, जब गाड़ी तीन गाड़ियां हो या फिर एक ही व्यक्ति तीन बार राउंड लगाए तो उसके लिए इस तरीके से ये होगा। अभी आपको इस पर अच्छी तरीके से पकड़ बनाना है, उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न, पहले एक व्यक्ति केवल दो बार, एक बार गया एक बार आया था, या फिर एक ही व्यक्ति दो बार जाए, या फिर दो ट्रेन आमने सामने से आए, या फिर दो ट्रेन एक साथ में जाए। तो दो दो की बात हो रही थी वहां पे, ठीक है, दो बार की बात हो रही थी। अब यहाँ पे तीन बार वाला सवाल लिया है, यहाँ पे मतलब एक ही व्यक्ति तीन बार गया, एक व्यक्ति जिसका नाम है क्या, प्रवीण, ठीक है। तो प्रवीण अपने विद्यालय के लिए चार किलोमीटर, एक बार पहली बार चार किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चार किलोमीटर पर आवर, छह किलोमीटर पर आवर मतलब छह किलोमीटर प्रति घंटा, और आठ किलोमीटर प्रति घंटा से गया। तो इस तरीके से यहाँ पे तीन बार गया हो, ठीक है, तीन बार गया। यदि उसने तीनों बार बराबर दूरी तय की हो तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, ठीक है। तो औसत मतलब एवरेज स्पीड आपको निकालना टोटल यात्रा में, तीन बार गया है वो, ठीक है। तो तीन बार गया तो फॉर्मूला उसमें तीन लगेगा, और एक्स वाई जेड आते हैं उसमें। जैसे दो बार मान लो सिर्फ गया, एक बार ये गया तो दूसरी बार गया, या फिर एक बार गया और वापिस आया, तो उसके लिए एवरेज स्पीड क्या होती है, उसके लिए चाल क्या होती है टोटल। तो यहाँ पे टू एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई, ये होता है दो बार के लिए, ठीक है। तो दो बार के लिए है, अपने को निकालना है तीन बार के लिए। तीन बार के लिए औसत गति, औसत चाल क्या होगी, तो यहाँ पे दो की जगह कितना आएगा, तीन, और एक्स वाई इसके स्थान में क्या आएगा, तीन बार गया तो जेड भी आ जाएगा। तो ये एक्स वाई और ये जेड, पहली बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, ठीक है। तो इस तरीके से, और बटे में पहले एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, एक्स जेड या फिर जेड एक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है, तीन बार में, तो यहाँ पे ये दो बार था तो वाई तो था एक्स वाई था, तीन बार में तो यहाँ पे जेड एड हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ, अब रखे यहाँ पे मान इसके वैल्यू, तो देखो यहाँ पे तीन गुणी पहली स्पीड क्या है, एक्स मतलब पहली वाली स्पीड तो कितनी, चार, और दूसरी वाली स्पीड वाई छह, और तीसरी वाली कितने हैं, आठ है, ठीक है, सिंपल है। तो आठ यहाँ पे रखा, उसके बाद एक्स वाई मतलब पहले वाले इन दोनों का गुणा, ठीक है, एक्स वाई का गुणा, तो ये छह चार छह चौबीस प्लस फिर क्या है वाई जेड, मतलब से कि वाई जेड मतलब इसका और इसका गुणा, ठीक है, छह अड़तालीस प्लस जेड एक्स, ठीक है, मतलब इसका इसका गुणा, ठीक है, जेड एक्स मतलब इसका फर्स्ट का और लास्ट का गुणा इनका, तो आठ चौबत्तीस, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो, अब इनको जोड़ेंगे सबको, 48 को और 32 को इनको जोड़ेंगे तो आपको टोटल मिलेगा कितना, 104 मिलेगा। अब यहाँ पे ये वाली जो ऊपर जो अंक है इनको लिख लेंगे, चार पिया कितना होगा 12, और यहाँ पे 6 और 8 को सेम वैसा ही लिख लिया, ठीक है। अब इससे इसको काट लो, ठीक है, इससे इसको, या फिर चार से काट लो, चार गुना आठ और चार गुना आठ, ठीक है, कितना बचेगा, दो, तो यहाँ पे चार छम चौबीस, यहाँ पे 26 है, ठीक है, 26, इससे फिर इसको काट लो, इससे दो, दो एकम दो और दो तिया छ, मतलब कितना है 13, नीचे 13 है और ऊपर ये 12 गुणित छ, ठीक, तो 12 छम कितना होगा, 72 होगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर है 72 और नीचे कितना है 13,
इतना है, और स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो इसको भाग दे लो कितनी बार में जाएगा, 13×65 13×65 और कितना बचेगा 72 में से 65 जाएगा तो कितना 7, और बटे में कुछ नहीं है 13 है तो यहाँ पे 13 लिख लेना रिजल्ट ठीक है, क्योंकि पूरा भाग नहीं जाएगा, 7 बचेगा, 7 के बटे में 13, और यहाँ पे लास्ट में किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस तरीके से आपका ये आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से ये करना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे तो बस बताने के लिए समझाने के लिए करना पड़ा, ये लिखना पड़ा, ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग करना पड़ा, नहीं तो सिर्फ इसको एक ही स्टेप में खत्म कर सकते थे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सवाल आए, मतलब ये जो टाइप आपको मैंने से की बताया आज इस क्लास में, तीन टाइप पर से डिस्कशन किया हमने, इन तीनों टाइप को आप प्रैक्टिस करें अपनी बुक से क्वेश्चन निकाल निकाल के, और इनको अच्छी तरीके से परफेक्ट कर लें, और कल की क्लास में जो अगला लेवल रहेगा, अगले टाइप रहेंगे, उसमें एक से एक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और लास्ट में आपने से कितना पेशेंस से की वीडियो को देखा है ध्यान से, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन लास्ट में यदि से आप इस चैनल को या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो, और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, क्योंकि किसी के बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको से जो भी से वीडियो मैं अपलोड करूंगा बनाऊंगा तो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। एनटीपीसी पुलिस और एसएससी विशेषकर उनके लिए से कि यहाँ पे उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग में यहाँ पे पूरा से की क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मान लो से कि पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे उठाकर आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखें और देखते रहें वीडियो कंटिन्यू, ताकि से आपको भी से कि इसका पूरा प्रॉफिट मिल पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टॉप करो।